जय श्री राधे। अभी कुछ देर पहले कुछ लोग मिले थे जो भोलेनाथ के उपासक थे, जो भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो उनसे मेरी कुछ बातें हुई। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए ताकि वह प्रसन्न रहें। तभी हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना आज इसी बात पर चर्चा और चिंतन किया जाए। अगर आप में से कोई भी भोलेनाथ की पूजा करता है तो विशेष रूप से तीन ऐसी बातें हैं जिसका खास ख्याल रखना है, वरना अगर भोलेनाथ क्रोधित हो गए तो फिर पूरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। तो सबसे पहली बात कि सनातन धर्म में सबको पता है कि एक हफ्ता में 7 दिन होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। ये सारे नाम उन बीराव के नाम पे हैं जिन्हें हम अपने आँखों से देख सकते हैं, और हर वार का संबंध किसी न किसी देवता से जरूर जुड़ा है। जैसे मंगलवार का हनुमान जी से, गुरुवार का विष्णु भगवान से, शनिवार का शनिदेव महाराज जी से, ठीक वैसे ही सप्ताह का पहला दिन सोमवार जुड़ा है भोलेनाथ से। वैसे तो सारे देव शक्तिमान हैं, पर जिस वर यानी जिस दिन का संबंध जिस देवता से होता है वे उस दिन अधिक सक्रिय और अधिक शक्तिमान यानी अधिक ऊर्जा से भरे रहते हैं। और यदि हम उस देवता के दिन का उस दिन अच्छे से एवं नियम पालन से उनकी उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही गहरा एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर भूल से भी कोई भूल होती है तो फिर सारा जीवन कष्टदायी हो जाता है, और हमें नहीं लगता कि कोई भी खुद को कष्ट में देखना चाहेगा। इसलिए यह वीडियो आप पूरा जरूर देखना ताकि आप उन गलतियों से बच जाओ। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सोमवार के बारे में। जो भी भोलेनाथ के उपासक यानी भक्त हैं उन्हें उस दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे इस वार के अधिपति चंद्रमा भी हैं, इसलिए इस वार का नाम सोमवार रखा गया है, और इसीलिए इस दिन न सिर्फ भोलेनाथ की बल्कि चंद्रमा की भी उपासना की जाती है। सोमवार को जो व्रत शिव जी के लिए रखे जाते हैं वे बहुत ही ज़्यादा फलदायी होते हैं, जिसका फल बहुत ही जल्दी दिखने लगता है। इसीलिए आज के दिन उन सभी लोगों को व्रत रखना चाहिए जिनका जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर हो, चाहे लड़कियों के लिए सुंदर वर की बात हो या फिर लड़कों के लिए नौकरी की, उन्हें जरूर यह व्रत रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन भगवान शिव एवं चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए आज के दिन वे सभी कार्य करने चाहिए जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। जैसे कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पण कर दिए, उनका प्रिय बेलपत्र चढ़ा दिए, भोलेनाथ को चंदन का लेप लगा दिए, आटे की पंजरी का भोग लगा दिए और साथ में रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दे दिए। ये सारी चीज़ें जीवन में सुख समृद्धि और धन लेकर आती है। तीसरी बात यह है कि भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं। अब हर सोमवार को तो आप वस्त्र अर्पित कर नहीं सकते, इसलिए इस दिन दूध, दही, सफ़ेद फूल और सफ़ेद चंदन जरूर अर्पित करना एवं लगाना चाहिए, और उस दिन शिव जी को सफ़ेद वस्तु का ही भोग लगाएं, जैसे केला हो गया, खीर हो गया, और खुद भी जहाँ तक संभव हो सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें, इससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चौथी बात यह है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार जब भी आप सोमवार को घर से बाहर किसी ज़रूरी काम के लिए जाओ तो निकलने से पहले आईना जरूर देख के जाना चाहिए, और जाते वक्त भोलेनाथ का नाम लेके जाना चाहिए। उस काम में उस दिन सफलता 100% मिलना है जिसके लिए आप जा रहे होते हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो सोमवार के दिन ज़रूरी से करना चाहिए।
लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जो इस दिन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। पहली बात कि सोमवार के दिन काला कपड़ा तो भूल के भी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश पहन लिए तो भूल के भी शिव जी के मंदिर तो नहीं जाना चाहिए। यही नहीं, आप कोई भी व्रत करो उस दिन तो काला कपड़ा बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए, शनिवार का दिन छोड़ के। और ख़ासकर महिलाओं को सोमवार के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए, इससे परिवार पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और अनहोनी होने के आसार बने रहते हैं। सोमवार के व्रत में थोड़ा सा खुद पर भी संयम बना के रखना चाहिए, वरना ध्यान अगर इधर उधर भटका तो फिर शिव जी के गुस्से का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। और सोमवार के व्रत में अगर फल का सेवन कर रहे हैं तो उसमें नाशपाती का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अर्थात सोमवार के व्रत में नाशपाती बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, इसे शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। तीसरी बात कि सोमवार के दिन किसी का अपमान नहीं करें, ना ही किसी के लिए बुरे शब्द यानी गाली का प्रयोग करें, खासकर बूढ़े लोगों के लिए, और क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इससे जीवा पर बैठी माता सरस्वती नाराज होती हैं, और जो व्रतधारी लोग हैं वो तो ऐसा व्यवहार तो भूल के भी ना करें, वरना सोमवार के व्रत का फल तो दूर, आप शिव जी के प्रकोप के भागी बन जाओगे और वह व्रत टूटा हुआ मान लिया जाता है। और सोमवार के दिन जरूरी करके अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो फिर नंदी महाराज की भी पूजा लगे हाथ जरूर कीजिए, इससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और एक बात, भोलेनाथ जी पशु प्रेमी भी हैं, इसलिए सोमवार के दिन किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए और ना ही मांस खाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो इस दिन जानवरों की, विशेषकर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। पांचवी बात यह है कि पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कटे फटे बेलपत्र, टूटे हुए चावल के दाने, केतकी का फूल, तुलसी, कुमकुम बिल्कुल भी ना चढ़ाएं और ना ही शंख से जल अर्पण करें। जितने भी व्रतधारी लोग हैं उन्हें जब भी मौका मिले वे ओम नमः शिवाय का जाप शुद्ध और साफ मन से जरूर करें। और सबसे जरूरी बात कि सोमवार के दिन जब भी आप मंदिर से पूजा करके आओ तो गाय माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाओ, जैसे केला, बर्फी, चावल इत्यादि कुछ भी, इसके बहुत सारे पुण्य है। इसलिए जब भी आप सोमवार का व्रत करोगे तो इन सारी बातों का खास कर ध्यान रखोगे। आई बात समझ में? हाँ, तो बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव।